बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एनपी वर्चुअल ऑप्शन के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, तो ये आज ही पेपर हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर है, ईटा के जरिए पेपर हुआ है, यानी आज ही 15 जनवरी 2022 को। आज असिस्टेंट का पेपर जो हुआ था, इसके कुछ एमसीक्यूज मुझे मिले थे, तो उसको भी मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सबको मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी जितने भी ईटा के पेपर हो चुके हैं, असिस्टेंट के हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के हैं, इन सारों का प्लेइंग लिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ स्प्रेडशीट इज, तो ये जो है इस पर करेक्ट आंसर जो था ऑल ऑफ दीज का करेक्ट आंसर है। ये इसका पार्ट 1 है, इसमें 50 MCQs हैं, 50 MCQs नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूजिंग द F11 शॉर्टकट की टू क्रिएट अ चार्ट ऑन चार्ट शीट क्रिएट्स, यानी F11 जो शॉर्टकट की यूज़ होती है चार्ट के लिए, तो ये चार्ट शीट क्रिएट करता है कितनी चार्ट शीट, और 2 डायमेंशन कॉलम चार्ट शीट को क्रिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि टू सेलेक्ट मल्टीपल नॉन एडजेसेंट सेल्स इन अ वर्कशीट यू विल क्लिक देम होल्डिंग, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो सेल्स होते हैं वर्कशीट पर, उसको क्लिक करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि डेटा कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय यूजिंग, डेटा जो होता है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको इस्तेमाल करने के लिए क्या चीज़ होता है, ये सॉर्ट कमांड जो होता है डेटा मेन्यू का, इसके जरिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट सिंबल इज यूज्ड टू एंटर नंबर एज टेक्स्ट, यानी नंबर एज टेक्स्ट में कौन सा जो है यूज़ होता है सिंबल, ये अपर कॉमा जो होते हैं ये यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट ट्रूली रिफ्लेक्टेड द स्पिरिट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो ये कौन सा मोमेंट था, ये खिलाफत मोमेंट था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन वाज टू, यानी ऑब्जेक्टिव जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो क्रिएट हो रही थी, तो इस टाइम कौन सा था, मेन ऑब्जेक्टिव का कौन सा था, बी लॉयल टू द इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट था। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कि अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज स्टार्टेड बाय सैयद अहमद खान इन 1877 हेड अ क्लियर प्रोग्राम टू, यानी 1877 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज का इफ्तिताह किया था, इसको बनाया था, तो उसका किसके चीज़ के लिए ये प्रोग्राम था कि मुसलमान जो हो कि कीप द मुस्लिम कम्युनिटी एब्रेस्ड विद वेस्टर्न नॉलेज, कि इसके नॉलेज में इजाफा हो जैसा कि वेस्टर्न के लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ही वॉज डैश ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इंटरव्यू विच हैड ही अटेंडेड, यानी फ्राइटेंड, यानी वो क्या है, वो खौफजदा है इंटरव्यू के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नदवतुल उलेमा स्टार्टेड फंक्शनिंग एट, तो ये कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, ये और लखनऊ में स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस के 4 सेंटेंस दिए हुए थे, तो इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा था, कि ये था द फ्लावर स्मेल स्वीट, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आई शेल हेल्प द पोअर मैन, यानी मैं गरीबों की मदद करता हूँ, गरीबों की मदद करूँगा, तो पैसे वैसे में चेंज करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर लगेगा, यानी द पोअर मैन विल बी हेल्प बाई मी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ही साइड टू मी वाई हैव यू कम लेट, यानी उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्यों लेट आए हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है कि ही आस्क्ड मी वाई आई हैड कम लेट। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द ड्यूरेशन ऑफ अ डे एट द पोल्स इज, यानी पोल्स पर जो ड्यूरेशन होता है डे का, वो कितना होता है, 6 मंथ्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी मेजर्ड बाई, तो ये ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इन एन एनवायरमेंट विद मैनी हाई वोल्टेज डिवाइसेज द बेस्ट ट्रांसमिशन मीडियम वुड बी, यानी माहौल में जो हाई वोल्टेज डिवाइसेज होते हैं बेस्ट ट्रांसमिशन के लिए कौन सा केबल यूज होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्मोक सिग्नल और एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्मोक सिग्नल जो होते हैं ये अनगाइडेड मीडिया इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्ट्रीवेशन इज पॉसिबल, तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हु इंट्रोड्यूस्ड टू नेशन थ्योरी इन सब कंटिनेंट, यानी सब कंटिनेंट में दो कौमी नजरिया किसने पेश किया था, तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हु फाउंडेड अंजमुल तरक्की उर्दू, तो ये किसने शुरू किया था, ये मौली अब्दुल हक ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है
21 नंबर क्वेश्चन है कि हिजरी कैलेंडर का सिलसिला कब शुरू हुआ? तो ये हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत से शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि झूठ बोलना कौन सा गुना है? ये एक कबीरा गुना है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि डेश वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ उमैयद कैलिफ खिलाफत या कैलिफ, यानी उमैयद का जो दौर था उसमें कैपिटल कौन सा था? दमिश्क था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि डेश इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? तो ये पैसिफिक है, छोटा जो है एरेक्टिक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि द फर्स्ट अफगान वॉर वॉज रिकॉर्डेड इन, सबसे पहले अफगान वॉर जो था ये 1839 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि द टाइटल द इस्लामिक कोऑर्डिनेटर वॉज यूज फॉर, ये इस्लामिक कोऑर्डिनेटर का जो टाइटल था, जो लकब था, ये किंग फैसल के लिए इस्तेमाल हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि इंस्टेंट मैसेजेस आर कैटेगराइज्ड एज, तो इंस्टेंट मैसेज जो होते हैं ये चैटिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि द टेक्निक यूज टू इंटर कनेक्ट अ सेट ऑफ कंप्यूटर आइडेंटिफाइड बाई अ यूनिक नेम इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं? पी टू पी नेटवर्क कहते हैं, इसको करेंटली कन्फर्म कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट ऑफ मेमोरी इज, सबसे स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट जो होती है ये बाइट होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि इफ यू प्रेस डैश इन एमएस एक्सेल द सेल एक्सेप्ट यूअर टाइपिंग एंड इट कंटेंट, तो ये इंटर को हम दबाते हैं तो ये होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक वेदर प्रिडिकेशन एंड वेपन डिजाइनिंग, तो इसके लिए सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रिंटर एंड प्लॉटर जो होते हैं ये कॉमन फार्मूले किस चीज के? आउटपुट यूनिट के। क्वेश्चन नंबर 33 है कि इन डैश टोपोलॉजी इफ एनी कंप्यूटर फेल्स द एंटायर नेटवर्क गोस डाउन, यानी एक सर्कल होता है, सर्कल के अंदर अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो सारा नेटवर्क जो होता है खराब होता है, तो ये रिंग में होते हैं, तो ये रिंग इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ये होता था ट्रांजिस्टर, इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर बस, कंप्यूटर बस जो है टाइमर बस जो है ये कंप्यूटर बस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जो है रैम एंड रोम दोनों है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि डैश इज कॉपीराइट सॉफ्टवेयर दैट इज फॉर अ ट्रायल पीरियड, तो ये शेयरवेयर है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि वर्ड कंप्यूटर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूट विच मीन्स, कंप्यूटर वर्ड जो है ये लैटिनी जुबान से अख़द किया गया है, उसका मतलब क्या है? कैलकुलेट है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पैकेट्स आर फाउंड ए डैश लेयर और मॉडल पैकेट जो होते हैं ये नेटवर्क में होते हैं, तो नेटवर्क इसको करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि डैश लेयर हैंडल्स द फॉर्मेटिंग ऑफ द एप्लीकेशन डेटा सो दैट इट विल बी रीडेबल द डेस्टिनेशन सिस्टम, तो ये प्रेजेंटेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक इज समटाइम्स कॉल्ड, इसको ग्लास बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि आई लेफ्ट स्मोकिंग लॉन्ग एगो, तो लेफ्ट वर्ड जो है ये क्या है? ये एक वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सेपरेशन ऑफ डेटा डिस्क्रिप्शन फ्रॉम प्रोग्रामिंग इसको डेटा इंडिपेंडेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि अ डिस्क्रीट यूनिट ऑफ वर्ड वर्क दैट मस्ट बी कम्प्लीटली प्रोसेस्ड और नॉट प्रोसेस विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम इसको ट्रांसेक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि डैश कमांड्स इंक्लूड ग्रांट और रिवोक प्रिविलेज टू एक्सेस मी डेटाबेस और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स विद इन द डेटाबेस, तो ये क्या है? DCL है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि अ डैश ऑपरेशन एक्सेसेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट डज नॉट अल्टर the स्टेट इन ऑब्जेक्ट oriented डेटा मॉडलिंग, तो ये स्कोप इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि a dash is created by querying one or more of the base tables producing a dynamic result table for the user at the time of request, तो ये view इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि द फास्टेस्ट रीड राइट टाइम एंड मोस्ट एफिशिएंट डेटा स्टोरेज ऑफ एनी डिस्क एरी टाइप इज अचीव्ड विद, तो ये रेट जीरो है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि व्हाट वाज द मेन डिफिकल्टी विच डिले द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन पाकिस्तान, तो ये कौन सा था? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसको करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद डिस्पीच द प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा निजामुद्दीन ऑन अप्रैल 1953 ड्यू टू, तो ये किस वजह से उन्होंने हटाया था? तो प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा निजामुद्दीन प्रूव to be incompetent to handle the difficulties faced by the country, इस वजह से इसको हटाया गया था। तो फ्रेंड ये था पेपर का पार्ट वन, नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूँगा। हमारे साथ रहें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।